जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैथ के सिंप्लीफिकेशन तथा एवरेज के क्वेश्चंस हैं। तो लगभग 20 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी तथा इसी के साथ साथ जो आपका आर्मी है और कोस्ट गार्ड है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली डिफेंस की बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वीडियो होने वाला है। तो लगभग 20 क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व करेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लायक। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, और ये सीरीज़ यदि कंटिन्यू रखनी है इसी प्रकार से कि रोज़ाना आपको एक मैथ की वीडियो मिले, इसी के साथ साथ मैंने इंग्लिश का भी आपको दिया, तो इंग्लिश का भी आपको मिलता रहे और जीके वाला सेक्शन भी आपको मिलता रहे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं यहाँ पे आपके कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर एक्स का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अलजेब्रिक फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए, इस प्रकार से जब आपका इक्वेशन बनती है तो ये हो जाता है 4ab, यानी कि ऊपर का जो भी कुछ है वो है 4ab, यहाँ पे 4ab है। और नीचे क्या दिया है? ab दिया है, लेकिन इसको डबल बार मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई किया। तो देखिए, 943 से दो बार कट जाएगा क्या? 1886। और 864 से दो बार कटेगा क्या? 1728। यानी कि 2 × 2 यहाँ पे बचा नीचे, और ऊपर क्या था? 4ab था, जिसमें कि a और b यहाँ पे कट चुका है, कैंसिल हो चुका है, 4 बचा। तो नीचे भी 4 है और ऊपर भी 4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा, यहाँ पे 0 नहीं बचेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं क्वाइट भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है डिफेंस के लिए। तो देखिए, इसमें क्या करना है आपको, 256 बटा यहाँ पे 0.256 दिया है, इक्वल में 56.6 बटा एक्स का मान यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे पहले तो जो डेसिमल है उसको यहाँ पे हटा लीजिए, तो यहाँ पे 3 अंकों के बाद डेसिमल है तो ऊपर यहाँ पे 3 जीरो लग जाएंगे, और यहाँ पे 1 अंक के बाद डेसिमल है तो 1 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। तो अब देखिए, आप 256 से 256 को ऊपर नीचे काट सकते हो, और उसके बाद आप ये जो 3 जीरो वाला है यानी 1000 है, ये यहाँ पे एक्स के साथ आके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10000 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 4 जीरो यहाँ पे हो जाएंगे, बटा में क्या है? 256, यानी 256 बटा यहाँ पे 10000 ये हो जाएगा, एक्स बराबर 256 बटा 10000। तो देखिए, अब आप जो जीरो है डेसिमल लगा दीजिए, 4 जीरो है तो 4 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 0.256 यहाँ पे इससे पहले डेसिमल लगेगा, यानी 0.0256। तो किस ऑप्शन में दिया है? 0.0256, तो ये दिया है आपको ऑप्शन नंबर डी में, 0.0256। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई क्या करना है? सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे पहले, ये छोटा वाला ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 × 2 = 4 और 1 × 5 = 2 यहाँ पे ये हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा? 3/4। तो ये एलसीएम लेंगे 4, तो ये कितनी बार जाएगा? 10+3, यानी कि 13/4, ये कितना हो गया? 13/4। उसके बाद करते हैं माइनस 13/3, 4 × 12 और 1 × 13, तो ये क्या हो गया? 13/3 माइनस 13/4, तो यहाँ पे फिर 12 एलसीएम आ जाएगा, और ये कितनी बार चल जाएगा? ये हो जाएगा कितनी बार? 4 बार, यानी 13 × 52, 13 × 52 और 13 × 3 = 39, तो फिर इसमें कटाएंगे तो कितना बचेगा? 13/12, यानी कि यहाँ तक का जो मामला है, यहाँ तक का वो है 13/12। उसके बाद बात करते हैं, ये प्लस का साइन दिया है, और 6 × 12 और 1 × 13, यानी फिर से ये 13/6 यहाँ पे आ गया, बीच में है प्लस का साइन, तो यहाँ पे 12 फिर से एलसीएम ले लेंगे, और ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, तो 13 × 2 = 26 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13, तो 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, तो 39/12 यहाँ पर हो जाएगा, यानी ये यहाँ तक का जो मामला है ये क्या है? 39/12, तो 39/12 ये क्या है? यहाँ तक का मामला है। तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या करना है हमें?
39 बटा 12, अब आगे दिया है 4 9 चौक 36 प्लस 3 39, यानी कि 39/4 आगे दिया है। तो देखिए यहाँ पे भाग का यानी कि डिवाइड का निशान है, तो जब डिवाइड का निशान दिया हो तो जिसके आगे दिया है उसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी उसको ऊपर नीचे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 12/39। तब ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी ये भाग में नहीं रहेगा। तो 39 से 39 को काट सकते हो, और यहाँ पर 4 से 12 को काट सकते हो, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है 3, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको दिया जाए जिसमें कि बीच में प्लस वाला साइन भी हो, यदि यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो हम डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एडिशन वाला साइन दिया है, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे ऐड करने देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर आप काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई में दिया है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेशन आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई देख लीजिए एक बार, 5.6 × 0.36। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई नॉर्मल करना है आपको, यानी कि ये डेसिमल को ध्यान नहीं रखना है, 36 को 56 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो भी आपका आंसर आए उस आंसर में, यानी एक डेसिमल यहाँ है एक संख्या के बाद, और दो अंकों के बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो यानी कि टोटल 3 अंकों के बाद डेसिमल है। तो जितनी भी संख्याएँ मान लीजिए यहाँ पर 9261 आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 3 के बाद आपको डेसिमल लगाना है, यानी कि 9.261 इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें आपको वही सिंप्लीफिकेशन है और अलजेब्रिक फॉर्मूले पर आधारित है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, a³ - b³। तो a³ व b³ का जब फॉर्मूला दिया जाए तो इसमें क्या है आपको, a² + b² + ab यहाँ पे नीचे दिया है, तो यहाँ पे एक और हो जाएगा a-b, तो ऊपर यहाँ पे कट जाएगा क्या, a³ + b³ + ab यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ऊपर, और a-b यहाँ पे बच जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों, देखिए a³ - b³ को जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + ab और कोष्टक में a-b, तो a-b बच जाएगा, a³ + b³ + ab यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो a-b जब हम करेंगे, यानी 6.75 में से जब हम 4.25 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2.5, जो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, तो वो करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या 8 दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो 8 गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों एक संख्या के घटाने से औसत कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, और संख्याएं कितनी थी यहाँ पे, 5 संख्याएं थी, तो एक संख्या के घटाने से कम होता है 2, यानी कि 4 संख्याओं पर कितना इफेक्ट पड़ा, 8 का इफेक्ट पड़ गया, तो 8 का इफेक्ट पड़ गया, तो 25 प्लस जब हम 8 यहाँ पर करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, 33। लेकिन यहाँ पे जो 2 अंक हैं वो इसके खुद के भी हैं, जो कि 5वीं संख्या है, तो इसका भी जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 35, यानी पहले इनका जो औसत था वो तो 35। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। क्वेश्चन क्या है, 11 पारियों में 1 क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ औसत है, यानी कुछ भी औसत हो सकता है, 12वीं पारी में 85 रन बनाता है तथा उसका जो औसत है वो 5 बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों 12वीं पारी में 5 औसत बढ़ता है, यानी 12 × 5, 12×5=60, यानी कि उसके यहाँ पे 60 रन उसने बनाए, 60 रन बनाए नहीं है, 60 रन किया है, मतलब औसत पड़ गया, सभी का औसत पड़ गया 60 रन टोटल कुल मिला के, और उसने बनाए कितने, 85, तो बचा कितना, 25 यहाँ पे बचा, तो 25 उनकी क्या थी, पहले औसत था 25, और अब क्या हो गया यहाँ पे, 5 उनका बढ़ गया है, यानी अब हो गया 30, तो पहले का पूछा है तो क्या होगा, 25 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर
एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या 32 थी। 10 पारियों की 32 थी तथा अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसकी जो औसत रन संख्या है वो 4 रनों की वृद्धि हो जाए। यानी कहने का अर्थ ये है कि 10 पारियों में औसत 32 है तथा 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि टोटल 11 पारियों का जो औसत है वो आपका 36 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 पारियों का औसत 32 है यानी टोटल कितने रन बनाए, 320। लेकिन बोलता है कि 11 पारी का रन कितना हो जाएगा, 36 हो जाए। तो 11 गुणा जब 36 हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 6 66, 6 11 33 3 39 यानी 396। यानी 320 से 396 हो जाए। तो कितने रनों की यहाँ पे वृद्धि हुई, 76 रनों की, 76 रन यहाँ पे इंक्रीज हुआ जो कि उसको बनाना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन क्या है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। तो 50 का औसत 38 है यानी 50 मल्टीप्लाई 38 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आपका आएगा 1900। तो 1900 हो जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन। फिर उसके बाद बोलता है यदि इनमें से दो संख्या 45 और 55 को छोड़ दें। तो देखिए 45 और 55 कितनी हो गई, 100 हो गई। तो इनमें से दो को छोड़ दें तो कितना बचेगा, 1800 यहाँ पे बचेगा। तो संख्याओं का औसत, तो पहले कितनी संख्याएं थी, 50, अब कितनी बची, 48 संख्याएं बची जब दो संख्याएं हम निकाल देंगे। तो 1800 में भाग देंगे कितना, 4800 का। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा आपका 37.5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी वर्ग में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, शिक्षक के आने से औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए 35 की क्या है, 14 वर्ष है, तो 35 मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 14 कर देंगे। उसके बाद बोलता है कि 15 वर्ष हो जाती है, तो 35 और एक शिक्षक और आ गए तो कितने हो गए, 36। तो 36 मल्टीप्लाई 15, तो यहाँ पे जो इनका भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, इनकी शिक्षक की आयु यहाँ पे हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए होमवर्क है। कमेंट में आंसर दीजिएगा कि यहाँ पे इसका कितना एवरेज है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।